हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंबिका ब्यूटी में। कैसे हो आप सब? आज एक बेबी हेयर कट है, हर बार की तरह ये भी कुछ अलग नहीं है, बट शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट हेयर है और ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, इसे सिंपल सोवर हेयर कट करना है। तो आप देख सकते हो, इस तरह से अगर आपके बेबी के हेयर है ना और ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसे ट्रिम करा दो। ज़्यादा शॉर्ट हेयर भी ना रखो और ज़्यादा लॉन्ग भी ना रखो क्योंकि ये जल्दी से बढ़ने वाली ग्रोथ नहीं है। इस तरह के हेयर ना बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं करते हैं, तो कोशिश करो अभी इस एज में, अगर आपका बेबी 10 ईयर या 6 ईयर या 7 ईयर से के आसपास है, 10 ईयर के अंदर है, तो छोटे ही रखो हेयर क्योंकि इस एज तक ना बाल ज़्यादा लंबे नहीं रखने चाहिए और ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करता है। अगर आप ट्रिमिंग कराते रहते हो तो ग्रोथ और बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये देखो, सिर्फ इतना ही शॉर्ट किया है मैंने, बहुत छोटी सी पोनी होती है ना हाफ हेयर की, वो पोनी बन जाएगी क्योंकि आगे गर्मी ही आ रही है और ज़्यादा शॉर्ट कर दो तो सिर्फ क्लिप और हेयर बैंड से काम नहीं चलता है क्योंकि आदत नहीं होती ना बिल्कुल शॉर्ट हेयर रखने की, जैसे इनको नहीं है। ज़्यादातर बाल कवर करके रखते हैं, ये बांध के रखते हैं तो इनको आदत नहीं है, इसलिए मैंने इनसे पूछा, जैसा इनकी मम्मा ने बोला मैंने उनके अकॉर्डिंग ही कट किया है। तो देखो, ये इसको इस तरह से मैंने छोटा किया है जैसे ये अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने में ना थोड़ा सा लगता है, और ठीक है, अच्छा है, अगर केयर नहीं हो पा रही है तो हेयर कट करा देने चाहिए और फिर ग्रोथ भी देखना बहुत अच्छी हो जाती है। ज़्यादा छोटे से एज से ज़्यादा लंबे हेयर नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियोस को, और मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि मैं आप लोगों के लिए किस टाइप की वीडियोस ले आऊँ और कैसा हेयर कट चाहिए आपको, या फिर जो भी है किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो, मैं वो पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने की। तो आप ये देख सकते हो, हेयर मोस्टली कंप्लीट के अराउंड है और अब आपको सिर्फ सिंपल सा कॉम करना है और चारों तरफ मींस हेयर को ऐसे अच्छे से क्लीन, अच्छे से सुलझा लेना है और गीले कर लेना है। उसके बाद कटिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो, कान से थोड़े से नीचे लेंथ रखी है मैंने, और अब बस, अब देखो, आप चारों तरफ से आप देखोगे ना इक्वल हेयर कट हो गया है। अब इसे चेक करना है, मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ कि कहीं ज़्यादा कहीं कम या छोटे बड़े कुछ ना हो। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपल सारा हेयर कट स्ट्रेट कट कर दिया है, अब आपको क्या करना है, सारे हेयर को ऐसे पीछे ले जाना है। एक बार आपको कटिंग करने के बाद जब आपकी कंप्लीट कटिंग हो जाए तो इसे चेकिंग बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार सारे हेयर को आपको इस तरफ पीछे लेके जाना है, जैसे मैं ये ले जा रही हूँ, आप देख सकते हो, पीछे ले जाके सारे हेयर को इक्वल कट करना है, जैसे स्ट्रेट हेयर कट होता है बिल्कुल वैसे ही। तो ये कटिंग ना चेक करने की नीड नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, बट आप अगर कर रहे हो तो आप चेक जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है अब, ज़्यादातर सिंपल कटिंग एकदम से परफेक्ट हो जाता है, लेकिन आप फिर भी चेक जरूर कर लेना। मैं भी चेक कर रही हूँ क्योंकि हेयर है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम अगर होता है तो वो बाद में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आपको राइट से सारे हेयर को इस तरह से लेफ्ट में लेके आना है, जैसे मैं ये अब कर रही हूँ, बिल्कुल सारे हेयर को राइट से लेफ्ट में जब आप ले आओगे ना, आपको हल्के फुल्के बाल छोटे बड़े नज़र आएंगे। देखो, इसे आप कट ऐसे कर दो, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, इक्वल ही है बट इसे थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लग रहा था ये। तो अब देखो, इस तरह से ही मैंने बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल सा स्ट्रेट दे दिया है और थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, ये हो रही है चेकिंग। ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे ना तो ये अनइवन दिखेंगे, अभी तो ये गीले हैं इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है, बट जब ये ड्राई हो जाएंगे तो छोटे बड़े दिखेंगे, अगर आप चेक करके कटिंग नहीं करते हो तब। इसलिए चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, मैं इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि देखो, अब थोड़ा सा ये अनइवन है ना, इसको बिल्कुल इक्वल कर दो। अब हो गई राइट से लेफ्ट की तरफ सारे कट, आगे से लेकर के पीछे तक सारे बालों को इस तरह से चेक कर लेना है। अब आ जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, अच्छे से चेक कर लिया है मैंने, क्योंकि
ये शॉर्ट है, आप स्ट्रेट हेयर कट करते हो, बहुत लॉन्ग है तो बैक में ले जाके स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन शॉर्ट हेयर को ही यही स्ट्रेट जो किया जा रहा है इसे राउंड हेयर कट कहते हैं, बेबी हेयर कट भी आप कह सकते हो। तो इसको चेक करना इस तरह से ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखो उस साइड से मैं इस साइड लाइन है, इतना डिफरेंट है, आप ये खुद देख लो, इसलिए ये ज़रूरी होता है चेक करना इक्वल करने के लिए। आपको राइट से लेफ्ट हेयर सारे करके और लेफ्ट से सारे हेयर को राइट करके चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये कटिंग कंप्लीट हो गई है, आप इसे चाहे गीले में देखोगे या बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, जब देखोगे बिल्कुल इक्वल होंगे। ये मैंने साइड पार्टिंग कर दिया है इनका और अब ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। कटिंग शीट बहुत अच्छे से कवर करना होता है क्योंकि बच्चों के ना गर्दन पे और कपड़े पे बाल छिल हो जाते हैं तो जल्दी से निकलते नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से कटिंग कवर करना होता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा बेबी और बहुत ही प्यारी सी हेयर कटिंग है। बस यही आज आपके साथ शेयर करना था, इतने छोटे बच्चे के ज़्यादा लॉन्ग हेयर ना रखें अगर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है तो। अगर अच्छी ग्रोथ है तो ठीक है, बट फिर भी मैं यही कहूँगी इतने छोटे बच्चों के ज़्यादा ग्रोथ नहीं रखनी चाहिए, कटिंग ही अच्छी लगती है, बाकी आपकी मर्जी। वैसे आप लॉन्ग भी रख सकते हो अगर ग्रोथ बहुत अच्छी है, बच्चा बच्चे को पसंद है तो। ये देख सकते हो कटिंग कंप्लीट हो गई। ओहो माय गॉड, खुशी देखो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।